दोस्तों आमतौर पर शेर हाथी के बाद जंगल का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है, जिसके सामने जाने की हिम्मत बाघ के अलावा किसी और में नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये जंगल के खतरनाक शिकारी आपस में भिड़ जाएं तो क्या होगा? दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शेर भले ही जंगल का राजा होता है, लेकिन बाघ भी धरती पर मौजूद एक ऐसा शिकारी है जो कभी कभी तो शेर की जान भी ले लेता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बहुत ही कम उत्पन्न होती है जब एक शेर और बाघ दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। लेकिन जब जब यह एक दूसरे के सामने आते हैं, तब इनमें से एक की मौत बिल्कुल तय मानी जाती है। इसलिए हम आपको इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर हम इनकी ताकत और साइज की बात करें तो निसंदेह बाघ शेर से बहुत बड़ा और ताकतवर जीव है, और शायद इसी वजह से बाघ भालू के बाद धरती पर मौजूद सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। भारत में पाए जाने वाले बाघों की बात करें तो इनका वजन करीब 220 किलोग्राम और वहीं भारत में पाए जाने वाले शेरों का वजन मात्र 180 किलोग्राम होता है। अगर इन दोनों के आकार में भी कंपैरिजन किया जाए तो शेर बाघ के सामने कहीं नहीं ठहरता। जहां शेर की हाइट मात्र 8 फीट होती है, तो वहीं बाघ 10 फीट से ज्यादा विशाल आकार का होता है। यह तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि जबड़ों की ताकत के मामले में तो शेर बाघ के सामने एक छोटा सा बच्चा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेर की 650 psi बाइट फोर्स की तुलना में बाघ का बाइट फोर्स 1050 psi होता है। इतना सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि बात अगर ताकत और आकार की हो तो शेर बाघ के सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन बाघ भले ही शेर से ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता है, लेकिन इतिहास गवाह है जिस जिस इलाके में शेर गए हैं, बाघों ने वहां का इलाका छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेर जहां भी जाते हैं वे 10 से 40 के झुंड में रहते हैं, और बाघ अपनी ताकत के नशे में चूर अकेला ही रहता है। शायद इसी वजह से शेर का पल्ला भारी रहता है, क्योंकि कई सारे शेर मिलकर बाघ को थोड़ी ही देर में चीर फाड़ कर रख देंगे। लेकिन बात यदि एक अकेले बाघ और अकेले शेर के मुकाबले की हो तो बाघ शेर को बहुत ही आसानी से मार सकता है, क्योंकि अकेले रहने के कारण बाघ को अपने दम पर शिकार करने का अनुभव होता है और शेर में इस चीज की बहुत ही कमी होती है। लेकिन अगर बात करें डिफेंस की तो शेर की गर्दन पर घने बाल उसके लिए एक कवच का काम करते हैं, क्योंकि शेर और बाघ जैसे खूंखार शिकारी जानवर की गर्दन पर वार करके अपने शिकार को मारते हैं, और ऐसे में बाघ की गर्दन पहले पकड़ में आ जाएगी और शेर की गर्दन पर उगे घने बाल उसकी गर्दन को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर भी यदि दोनों का आपस में मुकाबला होता है तो बाघ का जीतना लगभग तय है, क्योंकि प्राचीन समय में मनोरंजन के लिए जब जब बाघ को शेर से लड़ाया गया है तो ज्यादा बार बाघ ही विजेता रहा है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।